अब तो दिसंबर सीज़न आ चुका है और ऐसे सीज़न में काफ़ी मेरे दोस्त जो कि अपना बगीचा में फ्लावर्स वेजिटेबल्स लगाएंगे। सर राउकला में ऐसे एक नर्सरी है जो कि बिसरा चौक के पास में है और ज़्यादातर मेरे दोस्तों को या राउकला का दोस्तों को पता नहीं होगा, और नर्सरी में आज आपको लेके जाता हूँ और नर्सरी का एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिधर आप अच्छा रेट में देसी चारा ले पाएंगे। इधर आप बंडा मुंडा जा सकते हैं और इधर है बिस्सा चौक और ये है नर्सरी इधर मैं आज आया हूँ, और इधर कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। ये देखिए नर्सरी का कॉन्टैक्ट नंबर, ये है नर्सरी। चलिए आपको नर्सरी दिखाता हूँ।
जो कि बोंडामुंडा रोड तरफ है। बहुत दिन से मुझे इधर जाने के लिए बोल रहे थे लेकिन आ नहीं पा रहा था, आज आया हूँ। तो देखिए फ्लावर नर्सरी, अगर आप आ सकते हैं इसको गार्डन में फ्लावर लगाना है, तो गेंदू का है, बहुत सारा फ्लावर का चारा मिल जाएगा आपको। जो कि बिरसा चौक बोंडामुंडा रोड का बीच में है, जिसको गार्डन में फ्लावर लगाना है वो इधर आके चारा ले सकते हैं। सुबह का टाइम आइए। अभी मुझे सब्जी का चारा लेना है, इसका गेट इधर है राइट तरफ, इधर से मिलेगा सब्जी का चारा। चारा लगाए हैं, तो पास का जगह ऐसा है। वीडियो देख के आप आ सकते हैं, इधर अंकल जी हैं। आप चारा ले सकते हैं। इधर अभी चारा के लिए कुछ दिन पहले मंजी को चुने हैं और ऐसा है नर्सरी। देखिए मिर्चा सब्जी बोले अभी थोड़ा दिन लगेगा चारा के लिए, अभी टोमेटो चारा अवेलेबल है। अपने भैया के पास जा रहा हूँ, मुझे टमाटो का चारा देंगे, चारा को लेके अपना गाड़ी में लगाऊंगा, पीछे भी जाता हूँ तो इधर भी है मुझे पता नहीं था। देखिए थोड़ा सुबह टमाटो का चारा, तो टमाटो का चारा लेना है पर पीस 1 रुपीस, 50 रुपीस में 55 पीसेस चारा मिलेगा। तो अभी सीजन भी है, जिसको लगाना है आप लोग लगाइए, 2-3 महीना के बाद टमाटो आप अपना बगीचा में देख पाएंगे।
इधर गाड़ी सब जा रहा है तो बंडा मुंडा तरफ जा रहा है, बंडा मुंडा होकर बिस्रा मनरपुर होकर अब झारखंड जाएंगे। प्याज तो ले लिया है लग रहा है, हमको सब्जी लेना है। ये बैगन है, देख सकते हैं देसी बैगन है। छोटे का हमारा एक कुड़ी आ गया है और कुछ वो सब 10 रुपये पीस आते हैं और